हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, नाउ टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। आज के टेस्ट में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 30% जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इन 30% में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1915 से 1916 में होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में की गई थी। दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा तिलक व एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसको भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, लखनऊ, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका सही आंसर रहेगा लॉर्ड केनिन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। बिल्कुल सही दोस्तों, तात्या टोपे ने, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक दिए गए हैं। अगर आप डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसमें प्लस वाले सेक्शन में जाके आप यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने रेलवे एग्जाम सेलेक्ट किया है तो गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा कि कितने मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। मान लीजिए मैंने 3 मंथ का लेना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको पूछा गया कि एंटर रेफरल कोड, यानी कि आपको यहाँ पे अपना कोड फिल करना है। टॉपिक स्टडी जो कि है उस पर अप्लाई करेंगे तो जैसे 2000 का कोर्स है या 1800 रुपये में आ जाएगा, आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका सही आंसर रहेगा 72, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की। इसका सही आंसर रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था। इसका सही आंसर रहेगा 1912 में, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों राजधानी का कोलकाता से दिल्ली बदलना। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1916 में मद्रास में होम रूल लीग के प्रवर्तक कौन थे। इसका सही आंसर रहेगा एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा। इसका सही आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां पे हुई थी। इसका सही आंसर है बम्बई में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस गवर्नर जनरल के समय भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
लॉर्ड डेफरिन इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन थे गवर्नर जनरल उस टाइम पे? लॉर्ड डेफरिन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो मुझे लगता है इसका आंसर हर एक स्टूडेंट दे सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, ए ओ ह्यूम होगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, लॉर्ड होर्डिंग ने बंगाल का विभाजन कब रद्द किया? इसका सही आंसर रहेगा 1911 में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आपका 17 है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर रहेगा आगा खां। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आपको पता होगा मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक, जो कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय राष्ट्रीय का प्रथम विभाजन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा यहाँ पे, ठीक है, ये मिसप्रिंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो बिल्कुल दोस्तों, इसका 1907 में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21 है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर है एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 आ जाता है दोस्तों, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुआ था? इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक, यानी कि सॉरी प्रथम ब्रिटिश ये है दादा भाई नेहरू जी होगा। ठीक है, ये सॉरी मैं कुछ और आंसर बता दिया, दादा भाई नेहरू जी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुआ था? वो थे दादा भाई नेहरू जी। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 25, निम्न में से कौन नरम दल नेता नहीं है? तो निम्न में से नरम दल नेता नहीं है दोस्तों, देखिए अगर मैं बात करूँ बाल गंगाधर तिलक की, तो यही जो है नरम दल के नेता नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बिल्कुल सही दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी जो इसके थे पहले कांग्रेस अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष मतलब। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? बिल्कुल सही दोस्तों, देखिए लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन, यही तत्कालिक स्वदेशी आंदोलन का कारण था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। 28 है, निम्न में से किस एक ने 1916 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर रहेगा, देखिए यहां पे है ऑप्शन डी, अंबिका चरण मजूमदार, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था?
तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1916 में, ठीक है। तो 1916 में मुस्लिम और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था, तो ये कराया गया था यार, ये आपका एनिबेशेंट होना चाहिए आंसर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। तो यही आंसर होगा। 1857 का विद्रोह बिहार से किसने किया था, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, तो ये किया था आपका कुंवर सिंह, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1857 का विद्रोह में शामिल तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, रामचंद्र पांडुरंग, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, सॉरी विप्लव से जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों ये गलत लिखा है यहाँ पे, बैरकपुर रहेगा इसका सही आंसर, तो ये आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है।